हेलो एवरीवन, आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे कि हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहलाती है। इसको हम वीवीटी बोलते हैं। तो जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमारी हिटलर एंड लंडन इन्होंने डेवलप की थी, जबकि पॉलिंग एंड स्लेटर इन्होंने इसको मॉडिफाइड किया हुआ था। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? HLPS हाई लेवल पब्लिक स्कूल, हिटलर लंडन ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डेवलप की थी, पॉलिंग स्लेटर ने इसको मॉडिफाइड किया था। तो सबसे पहले हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद इनके जितने भी पॉइंट हैं सभी को नोट कर देंगे ताकि आप नोट्स जो है वो तैयार कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आखिर किस लिए दी गई। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो दी गई। वो क्या होगा? अब चूंकि हमें कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे बनता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला पॉइंट याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा पॉइंट जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या है? अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उनके स्पिन कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। जब वो ओवरलैप करते हैं तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नंबर तीसरा पॉइंट, जब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, सपोज कि ये एस ऑर्बिटल है, ओवरलैप किया तो ये ओवरलैपिंग का एरिया है और यहां पे दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे एटम का ये न्यूक्लियस है, यहां पे ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कब डेवलप होता है? जब एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है वो किस पे है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग जो है जितना डीप होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग जितना डीप होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टू टाइप का होता है, एक सिग्मा एंड दूसरा पाई। तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, तो हमारा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, तो वहां पे हमारे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या है? तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे, इसके बाद ही वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा बोरोन होता है, ये तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, तो बैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन हैं, तो चूंकि बोरोन में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए था, लेकिन बोरोन जो है वो
BF3 बनाता है, मतलब तीन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अनपेयर्ड होगा, तभी जो है तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो हम नोट डाउन कर देंगे ताकि आप नोट्स बना सको। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को नोट करना है, इट वॉज डेवलप्ड बाय हिटलर एंड लंडन इन 1927 एंड मॉडिफाइड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1931। द मेन पॉइंट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज, फर्स्ट पॉइंट है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द टू एटम्स। सेकेंड पॉइंट है, ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी स्पिन ओवरलैप विद ईच अदर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो विद एंटी स्पिन, तो वही ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले दो पॉइंट यही कह रहे हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवेयर बिटवीन द टू एटम्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ बॉन्डिंग फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द एक्युमुलेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन देम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो टू एटम के बीच डेवलप हो रहा है जब दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो ओवरलैप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, ग्रेटर द ओवरलैपिंग लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी अट्रैक्शन एंड मोर विल बी बॉन्ड एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल ऑल्सो बी हाई। तो अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यही कारण है कि स्टेबिलिटी जो है वो उस बॉन्ड की ज्यादा होती है, हाई होती है। तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग इन ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखो भाई, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या समझना है, कि जो हमारा पीपी ऑर्बिटल है, यहाँ भी पीपी ऑर्बिटल है, अगर ये लेटरल ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैपिंग जो है कम होती है, और अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है पीपी ऑर्बिटल में तो ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा होती है। तो अगर हमारे ऑर्बिटल जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो जब हमारे पीपी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर एसपी ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग पे ओवरलैपिंग होगी, फिर एसएस ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग पे ओवरलैपिंग होती है, और सबसे कम ओवरलैपिंग जो है जब पीपी ऑर्बिटल जो है वो लेटरल ओवरलैप करते हैं या फिर साइडवाइज ओवरलैप करते हैं। इसके बाद सिक्स नंबर का पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन विच आर ऑलरेडी पेयर्ड इन बैलेंस सेल कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ दे कैन अनपेयर्ड फर्स्ट एंड शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी ऑफ द सेम बैलेंस सेल। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर बैलेंस सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको अनपेयर्ड होना होगा, इसके बाद ही वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके, जैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है, अगर हम बोरोन देखें, सेंट्रल एटम तो बोरोन है, इससे तीन फ्लोरिन कनेक्ट हैं, तो एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2, 2p1, इसका कॉन्फिगरेशन होता है, बैलेंस सेल है इसका सेकेंड, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि बोरोन तीन बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब है कि इसमें तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसी प्रकार CH4 सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन ने चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2।
अब एस में तो दो इलेक्ट्रॉन है और पी में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में टू है, इसका मतलब है कार्बन को टू बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन तो चार बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अनपेयर्ड होगा, तभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।